नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवेंदु है और आज 29 तारीख को हम लोगों ने शहर के अलग अलग चौराहों का भ्रमण किया। जब रात में पारा 10 डिग्री से भी नीचे जा चुका था, उस समय सिवनी के प्रमुख चौराहे जिसमें छिंदवाड़ा चौक, नगरपालिका चौराहा, प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड, सोमवारी चौक, मिशन स्कूल चौराहा, पेट्रोल पंप चौराहा, अस्पताल, साथ में हमारा बाहुबली चौराहा, गणेश मंदिर चौराहा, शुक्रवारी चौराहा, मस्जिद चौक, छोटी मस्जिद चौक, घसियारी मोहल्ला चौक, इन सब चौराहों के निरीक्षण जब हमने किए तो हमें केवल दो जगहों पर नगर पालिका द्वारा किए जा रहे अलाव की व्यवस्था मिली। जबकि 22 तारीख को जब कलेक्टर सिवनी के पेज से एक पोस्ट आती है जिसमें ये लिखा जाता है कि रैन बसेरा सहित उन्होंने सिवनी के प्रमुख चौराहों जिसमें शुक्रवारी चौक, डूंडा सिवनी चौक का जिक्र है और अन्य प्रमुख चौराहों की व्यवस्था की, तब ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत सारी जगहों पर अलाव मिले। लेकिन जब हम इस पूरे भ्रमण में निकले तो हमें सिर्फ दो जगहों जिसमें बस स्टैंड सिवनी और आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवनी, इन दो जगहों पर अलाव की व्यवस्था मिली। बाकी किसी जगह स्थानीय लोगों से जब हमने पूछा कि इन जगहों पे अलाव की व्यवस्था हुई है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि पहले अलाव की व्यवस्था इन जगहों पर की जाती थी, लेकिन इस वर्ष किसी भी दिन ठंड के दौरान अलाव की व्यवस्था इन दो जगहों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं की गई। इस समय हम सिवनी के प्राइवेट बस स्टैंड में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से आए हुए यात्री जो शायद कल सुबह अब बसों से जाएंगे, वो आराम कर रहे हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके आसपास किसी प्रकार के अलाव की व्यवस्था नहीं, कोई लकड़ी नहीं है। रात के 11 बजने वाले हैं, इसी कारण हम डूंडा सिवनी चौराहा तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन सच ये है कि लकड़ियां केवल कागज़ों में वितरित हो रही हैं। कलेक्टर निरीक्षण भी करते हैं तो वो पता नहीं कहाँ का करते हैं। तो अब हमें जागना होगा, समझना होगा और आवाज़ उठानी होगी। धन्यवाद।